WHO की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि हाई शुगर से डायबिटिक और रेटिनोपैथी की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। देश में 3 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के जो पेशेंट है वो रेटिनोपैथी के मरीज भी होते जा रहे हैं। तो रेटिना में प्रॉपर ब्लड का फ्लो बना रहे, नजर धुंधली ना हो, आंखों की रोशनी अच्छी रहे, इसके लिए क्या उपाय करें? क्योंकि अधिकतर डायबिटीज के रोगियों को मैंने चश्मे के साथ ही देखा है, बिना चश्मे का तो शायद एक भी नहीं। उपाय बताता हूँ, देखो गौर से सुनने की जरूरत है। डायबिटीज के साथ साथ जी पोल्यूशन बहुत है और रेडिएशन बहुत है, स्क्रीन एक्सपोजर बहुत है, स्क्रीन टाइम लोगों का अलग अलग प्रोफेशनल कारणों से, बच्चों का स्टडी के कारण से और कुछ फालतू मनोरंजन आदि के चक्कर में मोबाइल में घुसे रहते हैं, उन सब के कारण से भी आंखों पर बुरा असर आता है। जो शीर्षासन सर्वांगासन कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अनुलोम विलोम ही कर ले। अनुलोम विलोम, सर्वांगासन और शीर्षासन, ये आँखों के लिए बेस्ट है। इसके लिए हमने आई ग्रिट और साथ ही साथ महात्रिफला घृत 1 चम्मच खाली पेट और नंगे पैर घास पर चलना, ये एक एक उपाय है। त्राटक करना, जल नेति या सूत्र नेति करना और सौम्य दृष्टि या आई ग्रिट आवश्यकता के अनुसार, ग्लूकोमा में दृष्टि और कैटरेक्ट में भी, दोनों में फायदा करती है। बाकी सामान्य आंखों की प्रॉब्लम में, कैटरेक्ट में भी और ग्लूकोमा से लेकर के आंखों के चश्मा से लेकर के तमाम आंखों के रेटिना से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैक्युलर डिजलरेशन में, सब में अत्यंत लाभप्रद है ये चीज़ें, अनुलोम विलोम। और सबसे बड़ी चीज़ है हरियाली के बीच में ऐसे थोड़ा रहा करें, जैसे हम यहाँ पीछे देख रहे हैं कितना सुंदर बगीचा है, सैकड़ों प्रकार के आम लगे हैं और जिनको डायबिटीज़ नहीं है और फिर भी आंखों की प्रॉब्लम है तो गाजर का सेवन करें और गाजर के जूस में थोड़ा आंवले का जूस मिला लें। आंवले का वैसे तो फ्रेश आंवला तो हमारे यहाँ पर है सबको, तो हमने आंवला एलोवेरा वैसे उपलब्ध करा दिया। और जो है नंगे पैर घास पर ऐसे चला भी करें, दौड़ा भी करें, है ना आदित्य? चलो दौड़ के आओ तुम, पूरा ये देखो नंगे पैर, इससे तुम्हारे पेन की आज भी एक्टिवेट हो जाएगा और आंखें भी अच्छी हो जाएंगे, मजा आएगा। चलो दौड़ के आओ, इधर से दौड़ के आओ, हाँ जाओ, हाँ ए तो मजबूत बच्चा, हाँ बच्चों को तो ऐसे ही दौड़ने में अच्छा लगता है, लेकिन जूते पहन के मोजे पहन के और तब दौड़ते हैं बच्चे, हाँ? नंगे पैर दौड़ना चाहिए घास के ऊपर और चलना चाहिए, यह आँखों के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो छोटी छोटी और मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों की छिट्टी मारनी चाहिए। मैं भी सुबह उठ करके एक बार आई ग्रिट डाल लेता हूँ, आंखें भगवान की कृपा से अभी अच्छी हैं और हम आई ग्रिट ड्रॉप तो डाल लेते हैं, कभी कभी आई ग्रिट खा भी लेते हैं। 55-60 के बाद लोगों की आंखों पर असर आने लगता है। पश्चिम सरदा सतम जीवे में सरदा सतम रहेंगे हम। और जो बच्चे हैं वो तो जैसे आदित्य बच्चा हमारा दौड़ रहा है ऐसे दौड़ा करें ये है बच्चों का तो अलग ही आनंद है। स्वामी जी ये तो आंखों की बात आपने की, शुगर की भी बात कर लेते हैं। शुगर की परेशानी लंबे वक्त तक रहने पर सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी असर पड़ता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो शरीर की नसें मजबूत रहें इसके लिए क्या किया जाए स्वामी जी? इसके लिए अनुलोम विलोम, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर और सामान्य रूप से अश्वगंधा शतावर बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और नर्वस सिस्टम के लिए बेस्ट है अनुलोम विलोम। और अकेली औषधियों में अश्वगंधा बताया मैंने, अश्वगंधा अश्वशिला का प्रयोग डायबिटीज और न्यूरोपैथी के लिए भी अप्रतिम है। और मैंने देखा न्यूरोपैथी से पूरा शरीर चबक चबक हो रहा था जिनका, मैंने उनको कहा कि आप 2-3 घंटा अनुलोम विलोम कीजिए 1 से 2 सप्ताह में, लो न्यूरोपैथी पर विजय पाली लोगों, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो नस नाड़ियों के लिए सिंगल औषधि में अश्वगंधा या अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट का कैप्सूल हम उपलब्ध कराते हैं, ये अप्रतिम है।
और शेष सभी के लिए रेडीमेड में न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड। लोगों को पार्किंसन सजा में डिमेंशिया, इसका लोगों को कोई इलाज नहीं सूझ रहा है, करें क्या? बाकी कुछ चीज़ों के लिए तो सिंथेटिक दवाइयों में कुछ टेम्परेरी रिलीफ के लिए भी चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ तो जैसे ही ब्रेन और नस नाड़ियों पर असर पड़ने लगता है तो व्यक्ति जो है एकदम पगला जाता, मेरा होगा क्या, पूरा कंट्रोल खो देता है। और इसके लिए स्पाइन के एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। एक तो अभी हम भुजंगासन कर रहे थे और एक मरकटासन भी ज़रूरी है। मरकटासन और भुजंगासन, ये दो आसन ज़रूर करें तो फिर नर्वस सिस्टम पर उसका कोई बुरा असर नहीं होगा। और ये जो तमाम तरह की दवाइयाँ खाते हैं ना शुगर के लिए, वो पूरे ब्लड से, बॉडी से, किडनी को से छान छान करके एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकालते थे, किडनी थक जाती है तो किडनी पर उस शुगर का बुरा असर आता है। क्यों? जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो बॉडी की एक्स्ट्रा शुगर को किडनी से ज़्यादा छनवाती है, ओवरवर्क करवाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है किडनी पर, और ओवरलोड हुई किडनी फिर उस पर क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, बार बार यूरिन, तो एक सामान्य लक्षण ही है कि शुगर की बीमारी का, लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ने लगे जब प्रोटीन लीकेज होने लगे, तो प्रोटीन लीकेज में तो रिनोग्रिड के साथ उन्हें गिलोय गोखरो आंवला का सेवन कराया, और क्रिएटिनिन बढ़ने पर हमने रिनोग्रिड के को अनुपान करवाया नीम और पीपल के पत्तों के रस और साथ, और ये पाया कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ वो रेगुलेट होता है, और इसको हमने साइंटिफिकली पूरा प्रूव किया है कि किडनी के पूरे जो सेल हैं वो रिजुविनेट होने लगते हैं। ये बड़ी बात है, पहली बार किडनी के ऊपर ये इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में भी हमने प्रकाशित करवाया रिनोग्रिड का पूरा रिसर्च। ये हमारे ऋषि मुनियों से जो हमें आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, ये अप्रतिम है।